अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबसे ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, सूखी बोंबिल और आलू प्याज बैंगन टमाटर डालकर ये रेसिपी बनती है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो मैंने 5 बैंगन ली थी मीडियम साइज़ के, इसको इस साइज़ में मैंने कट की हूँ, और 3 आलू ली थी उसको भी मैंने कट करके ली हूँ उसी तरीके से जैसे मैंने बैंगन को कट की हूँ उसी तरीके से। तो मैं यहाँ पर पानी में दोनों को डालकर रखी थी ताकि हमारे बैंगन और आलू काले ना पड़े। और यहाँ पर देखिए सूखी बोंबिल को मैंने इस तरीके से पीस बना कर ली हूँ साफ करके। अब पानी में हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे, थोड़ी देर भीगने रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर इसके ऊपर ना मट्टी धूल ये सब लगी रहती है जहाँ वो लोग सुखाते हैं। तो इसके लिए हम उसको अच्छे से धोकर लेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ली हूँ, 1 बड़ी साइज़ की प्याज ली हूँ, दोनों को बारीक कटिंग करके ली हूँ। और यहाँ पर देखिए 4 हरी मिर्ची है और 8 से 10 लहसुन के कलियाँ हैं, इसको हम दरदरा पीस कर लेंगे। गैस के ऊपर मैंने तपेली रख चुकी थी गर्म होने के लिए, अब इसके अंदर ऑयल डालेंगे। तो इसमें ज़्यादा ऑयल मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ, बस यहाँ पर मैं 2 से 4 बड़े चम्मच होते हैं ना वो हिसाब से मैं तेल ली हूँ। तो अभी हम बोंबिल मच्छी को अच्छे से साफ ये देखिए इस तरीके से धोकर हम छन्नी में रखेंगे थोड़ा हवा, ताकि ये थोड़ा सा हवा खाए और जो पानी है इसके अंदर थोड़ा सूख जाए। आप चाहे तो इसको कॉटन के कपड़े से भी पोंछ सकते हैं। तो हम पूरा पानी में से इसको निकाल लेंगे। अगर हम बिना धोकर इसको बनाकर खाएंगे ना तो इसमें मतलब जो मट्टी होती है और धूल होती है तो अपने पेट में चला जाता है, तो इसीलिए इसको अच्छे से साफ़ करके खाना है। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया था तो मैंने बोंबिल मच्छी तेल में डाल दी हूँ, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करके लेंगे। लाइट गोल्डन करना है इसको, ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे ना तो इसके अंदर कसालापन आ जाता है। तो यहाँ पर जब तक ये फ्राई हो रही है ये देखिए कितने अच्छे इसमें कलर आ चुका है। अब मैं निकाल कर एक प्लेट में रख दूँगी, बस इतना ही कलर लेना है इसमें। तो मैंने एक प्लेट में निकाल कर रख ली, ये देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, बस यही कलर इसमें लेना है। तो अब मैं वही तेल में मैं क्या करूँगी, प्याज को फ्राई कर लूँगी। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, प्याज अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे इसमें। अब जब तक हमारे यहाँ पर प्याज फ्राई होती है हम दूसरा देख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची और लहसुन को भी दरदरा पीस के ली हूँ और प्याज में डाल देंगे, इसको भी साथ साथ फ्राई कर लेंगे। तो हमारी प्याज यहाँ पर अच्छे से लाइट गोल्डन हो चुकी है, तो इसमें डाल देंगे अब ये मसाले। आधा टीस्पून मैंने गरम मसाला ली हूँ, आधा टीस्पून मैंने धनिया पाउडर, साल्ट, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, सब मैंने आधा टीस्पून ही ली हूँ, ज़्यादा मसाले नहीं लेंगे क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी इसमें डाली हूँ तो इसलिए लाल मिर्ची मैंने कम रखी हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, मिर्ची नमक जो भी है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से भून लेंगे मसाले भी। अब यहाँ पर टमाटर भी डाल देंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे मसालों में और इसको अच्छे से नरम करना है।
बैंगन डाल देंगे, आलू बैंगन जो हमने पानी में रखे थे कट करके वो भी डाल देंगे इसके अंदर। आलू बैंगन के साथ टमाटर भी हमारे अच्छे से नरम हो जाएंगे तो हम इसमें सब डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे साथ ही साथ, जैसे कि हमारे मसाले नीचे पक रहे हैं तो ये मसालों में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैंगन आलू को। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब इसको ढक्कन ढक कर हम रख देंगे, मीडियम फ्लेम पे रख देंगे गैस को। ढक्कन ढक कर रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 मिनट के लिए ढक्कन ढक कर रखी थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से हमारे पक रहे हैं बैंगन आलू। तो हम इसको थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच से हिलाते रहेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, नीचे तपेली से चिटक जाएंगे मसाले। तो हमको नीचे चिटकने नहीं देना है मसाले, थोड़ी थोड़ी देर में हम चम्मच से चलाते रहेंगे। वापस से ढक्कन ढक कर हम रख देंगे। देखिए यहाँ पर हल्के हल्के हमारे बैंगन आलू अच्छे से गल चुके हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोली हूँ कि हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। तो इसी तरीके से हम मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए मसाले में कलर कितना प्यारा आया है, कितना ज़बरदस्त ये हमारे बैंगन आलू लग रहा है। अब इसमें देखिए बोंबिल मच्छी हम डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे हैं, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको बैंगन आलू के साथ पकने के लिए छोड़ देंगे सूखी बोंबिल को। अच्छे से मिक्स करना है। इतनी टेस्टी और इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो मेरे फ्रखन चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब थोड़ा सा हरा धनिया और इसकी जो काढ़ी होती है ना हरा धनिया की, तो उसको भी मैंने बारीक कट करके इसमें डाली हूँ, उससे और खुशबू आती है, बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है। पत्तों से ज़्यादा उसकी जो काढ़ी होती है उसमें खुशबू रहती है, तो उसको भी बारीक कट करके डालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे बैंगन आलू सूखी बोंबिल सब पक चुकी है, अच्छे से हमारी रेसिपी बन गई है ये। अब मैं आपको एक प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। तो चलिए हमारी ये रेसिपी एकदम तैयार है, तो मैं अब आपको निकाल कर दिखा दूँ। ये देखिए माशाल्लाह खुशबू भी बहुत बढ़िया है। आप चाहे तो इसको रोटी या पाव से खा सकते हैं या राइस से भी खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसमें। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे फ्रखन चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए पूरे हमने प्लेट में निकाल कर रख दी हूँ। और ये देखिए इसमें बोंबिल मच्छी के आपको पीस नज़र आ रहे होंगे, कितनी टेस्टी ये रेसिपी है। ये देखिए बोंबिल के जो पीस हमने कट करके डाले थे इसमें नज़र आ रहे हैं, खाने में एकदम क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ये मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा।
तो फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।